बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बारिश नहीं हो रही है, इसलिए सरकार चिंतित है। साथ ही साथ आने वाले समय में बिहार के कुछ जिलों में सुखाड़ घोषित करना पड़ेगा। बता दें कि उसके आगे संजय झा ने देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि देश में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, यह एक तनावपूर्ण और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने जैसी राजनीति चल रही है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं जो चल रही हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से फिर से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर संजय झा का कहना है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अभी हमें विपक्षी एकता पर जोर डालना है और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव जीती जाए और मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए, इसकी रणनीति बनानी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कानून का राज्य है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में फर्जी एनकाउंटर होता है, कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता है, लेकिन बता दीजिए बिहार में कब फर्जी एनकाउंटर हुआ है और कब कर्फ्यू लगा। एक दिन कर्फ्यू लगा है, वो भी नालंदा में। बिहार में रूल ऑफ लॉ क्या होता है वो बिहार की जनता देख चुकी है और यही मॉडल है जो मॉडल सक्सेसफुल है। बिहार में फर्जी इनकाउंटर नहीं होता है, बिहार में कभी भी पुलिस को गलत इनकाउंटर करने के लिए नहीं कहा जाता। बिहार में ये कहा जाता है कि अपराधी को सलाह के पीछे बंद करो, और इसका प्रभाव, इनका मॉडल जो है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 17 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। एक दिन लगा नवादा में सिर्फ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बिहार में कभी जातीय और सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिए नीतीश कुमार, इससे बड़ा एग्जाम्पल देश पर क्या हो सकता है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके 2024 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, उस काम में वो लगे हुए हैं। आगे भी वही काम वो करेंगे, और जो बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है बिहार में काम करने का, जो उनके जिम्मे आज के डेट में है, वो काम करेंगे। भविष्य की बात, भविष्य के लिए वो क्या कह रहा है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना प्रभाव, यही लोग बोलते थे जो कभी हो ही नहीं सकते एक साथ, और इतना प्रभाव इस इंडिया के मीटिंग का हो गया है कि उनको भी एनडीए का मीटिंग बुलाना पड़ा। और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोगों को लगता था कि ये एक दूसरे लोग एक साथ कैसे बैठेंगे, तो सब बैठे ना भाई एक साथ, दिखाई पड़ रहा है ना, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और जितने हमारे साथी हैं सब एक साथ है इस मुहिम में, नए लोग और जुड़ेंगे, जाने की बात तो छोड़ दीजिए। आपके कार्यकर्ताओं की इच्छा है सर, किस तरीके से बात हो रही है चुनाव लड़ने की, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी कह रहे हैं क्या, और कितना पार्टी कहाँ है वो जानकारी है किसी को, कौन पार्टी थी? तो जैसे ही इंडिया बनी उसका काउंटर इफेक्ट क्या होता है उस दिन दिखाई पड़ गया। और जनता ना मालिक है भाई, जो कौन आएगा नहीं आएगा जनता ने तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम शुरू किया सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, पहले पटना में और फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई, वो इस सही डायरेक्शन में जा रहा है। नीतीश कुमार सवाल पूछे नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज बयान देख रहा था, हमारे जो साथी हैं, नीतीश कुमार जी विपक्ष के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम देश भर में कर रहे हैं, और बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है 2025 तक काम करने का, वो जवाबदेही उनके ऊपर है, वो काम वो करेंगे जो जनता ने। आगे क्या होगा वो भविष्य के कर्म में, लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी देश में विपक्षी एकता का एक धुरी है और वही वो प्रयास कर रहे हैं। नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कहाँ चुनाव लड़ने की बात होगी। अभी अभी तो उनका काम है विपक्ष के सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के 2024 की तैयारी के लिए। आप सब साथ ही जानते हैं कि यही काम वो तो कर रहे हैं, और उस काम में कितने सफल हुए हैं उसका रिजल्ट सामने में है कि पटना और बेंगलोर में जो मीटिंग हुई है, और विपक्ष के लोगों को, जो एनडीए के लोग हैं, उनको जाकर के पहली बार मीटिंग करना पड़ा। एक, और सेकेंड,
बिहार के जनता ने बिहार चलाने का मैंडेट दिया है, वो बिहार में गवर्नेंस को लेकर के, बिहार में अभी जो स्थिति है सुखार का, दिल्ली तो मॉनिटर करता है सुबह से शाम तक कि क्या हो सकता है, अभी वही काम है। 3 अगस्त तक आप ये समझिए कि 48-48% कम बारिश हुआ है, जो कि बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है। अब 48% कम बारिश होने से, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद ही रिव्यू किए हैं, बहुत तरह का फैसिलिटी दिया गया है कि जो बिजली का है 8 से 12 घंटा किया गया, लोगों को सिंचाई पहुंच सके। 2-3 दिन पहले रिव्यू किए थे जल संसाधन विभाग से, खास करके सोन नहर में, गंडक में और कोसी में हम लोग मैक्सिमम पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो दक्षिण बिहार का एरिया है वहाँ बहुत समस्या हम लोगों को हो रही है, खास करके जल संसाधन विभाग में जो हमारा रिजर्वॉय है, जलाशय है, बारिश ही नहीं हुआ है तो पानी नहीं है, 15% हम लोग कर पाए। हालांकि इस मंथ अगस्त में भी रोपनी होता है, लेकिन स्थिति थोड़ी विकट है। उम्मीद कर रहा है, डेली तो आता है प्रिडिक्शन IMD का कि बारिश होगा, 3 दिन से दे रहा है प्रिडिक्शन, अब बारिश हो ही नहीं रहा। कल भी था प्रिडिक्शन कि जमकर बारिश होगा साउथ बिहार में, आज भी था, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने तरीके से मैक्सिमम जगह पर आपको नहर के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, और बहुत जगह जहां जहां नहर से पहुंच सकता है, जो पिछले साल के टारगेट से ज़्यादा बड़े एरिया में हम लोग सिंचाई का पानी पहुँचाए हैं। एक समस्या जो है, क्योंकि हम लोगों का बांध सागर से जो ट्रीटी है मध्य प्रदेश से, उससे पानी आता है और सोन में आता है, वो पानी भी मैक्सिमम ले रहे हैं, 17-18 दिन का ही पानी अब बचा हुआ है। उम्मीद करता है जल्दी बारिश होगा तो फिर आगे भी पानी देना पड़ता है सिंचाई के लिए। स्थिति दिक्कत है, कम से कम सुखार का स्थिति है, और उसमें जो सरकार को करना है वो मुख्यमंत्री जी रिव्यू करके कर चुके हैं। जल संसाधन विभाग से जो मैक्सिमम हम लोग टेल एंड तक नहर का पानी पहुंचाने का है, वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। पहली बार नहर में हम लोग नाइट पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं कि ऊपर के रीच में लोग रोक करके पानी कर लेते हैं, नीचे वाले को पानी नहीं मिलता है, वो सारा चीज़ को नज़र रख रहे हैं। पहले हम लोग सिर्फ फ्लड में मॉनिटरिंग कराते थे, नाइट पेट्रोलिंग कि रात में जा करके नहर पर देखना, पहली बार हम लोग सिंचाई में भी जा करके पेट्रोलिंग करा रहे हैं, तो उसका फायदा दिखाई पड़ रहा है, ये एक बात। केंद्र सरकार की